मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात का पहला चुनाव। 22 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस वापसी को बेताब। बीजेपी जीती तो मोदी का कद और बढ़ेगा, कांग्रेस हारी तो राहुल की साख घटेगी। 1985 के बाद पहली बार जाति के आधार पर गुजरात में चुनाव। 32 साल बाद कौन साधेगा जातियों को, बीजेपी या कांग्रेस? गुजरात चुनाव पर जनमन विशेष। जनमन में आज गुजरात चुनाव विशेष। वहां मतदान होगा 9 और 14 दिसंबर को और परिणाम आएंगे 18 को। जैसे जैसे ये तारीखें पास आती जा रही हैं, राज्य का राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के लिए ये चुनाव कितने अहम हैं, इसकी बात करेंगे और देखेंगे जिन सरदार पटेल के नाम पर चुनाव में दावे किए जा रहे हैं उनके गांव के लोगों की पसंद क्या है। लेकिन शुरुआत गुजरात की राजनीति में सनसनी फैलाने वाले 24 साल के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल से। हार्दिक की दो कथित सीडी सामने आई हैं, उनसे कोहराम मचा हुआ है। हार्दिक के साथियों ने आज सीडी कांड के पीछे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का हाथ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सीडी 40 करोड़ रुपए देकर बनवाई गई। ये भी इल्जाम है कि अब एक लड़की के जरिए गलत आरोप लगाकर हार्दिक पटेल को फंसाने की तैयारी है। हार्दिक की कथित सेक्स सीडी नंबर एक। हार्दिक की कथित सेक्स सीडी नंबर दो। हार्दिक की सीडी के पीछे किसका हाथ? भाजपा अध्यक्ष जीतूभाई वाघाणी और उसके एक सहयोगी बिल्डर बिमल पटेल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सूचना से ये सब कथित सीडी कांड बनाया गया है। वो सौदा 40 करोड़ में तय हुआ था। हार्दिक पटेल की दो कथित सेक्स सीडी सामने आने के 48 घंटे बाद हार्दिक के साथी हार्दिक के समर्थन में दिखे और बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। हार्दिक के साथी दिनेश बामनिया ने गुजरात बीजेपी अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। हार्दिक के साथियों ने दावा किया है गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष जीतू वाघाणी ने एक व्यापारी बिमल पटेल से सीडी कांड के लिए 40 करोड़ में सौदा तय किया, जिसमें बिचौलिए की भूमिका विपुल मेंदपरा नाम के शख्स ने निभाई। इस सौदे के मुताबिक कुल 52 फर्जी सीडी तैयार की गई है। हार्दिक की टीम ने सीडी के पीछे कुछ पुलिस अफसरों का हाथ होने का भी आरोप लगाया। गुजरात के कई पुलिस अधिकारी, दो PI, एक SP, एक CP और सभी इन लोगों ने मिलकर इसमें रोल किया है। उन्हीं पुलिस अधिकारियों ने इसकी सीडी भी लॉन्च की है, उसके CCTV कैमरे सब उसने प्रोवाइड किए हैं। हार्दिक के समर्थकों का दावा है कि सीडी कांड के बाद अब हार्दिक पर यौन शोषण का आरोप लगाने की साजिश रची जा रही है। आरोप है कि बीजेपी एक महिला को मोहरा बनाने की तैयारी में है। आरोप है कि इस महिला से विपुल और बिमल पटेल ने 50 लाख रुपए में सौदा किया है। पाटीदार नेताओं ने विपुल पटेल के खिलाफ सबूत होने का भी दावा किया है। विपुल पटेल ने इसी दौरान 60 लाख रुपए के सोने के गहने लिए हुए और 3 लाख के कपड़े अभी तुरंत 15 दिन में लिए हैं। उसकी भी हमारे पास सभी एविडेंस है। हार्दिक समर्थकों ने सीडी कांड के दूसरे किरदार विपुल मेंदपरा को छिपाने का आरोप गुजरात पुलिस पर लगाया। पाटीदार नेताओं के आरोपों पर गुजरात के मुख्यमंत्री नितिन पटेल सामने आए और हार्दिक के साथियों को ही सीडी कांड का साजिशकर्ता करार दिया। उन्होंने अपने दो लोगों के नाम देकर स्पष्ट किया है, जिसका नाम उन्होंने दिया है वो उनका साथी था, उनका कार्यकर्ता 24 घंटे उसके साथ रहता था। किसी भी कारण उनके बीच जो झगड़ा हुआ और झगड़े के कारण उन्होंने जो टेप किया होगा, रिकॉर्डिंग किया होगा, वो लीक किया है। वो बोलते हैं कि 52 सीढ़ी होने वाली है, तो वो तो किसने कितना किया है उसका तो वही बता सकेंगे ना, हम कैसे बताएंगे। सीडी के सामने आने के दो दिन बाद तक कोई भी पाटीदार नेता सामने नहीं आया था।
लेकिन अब हार्दिक समर्थक एक्शन में हैं। अहमदाबाद में पाटीदार नेताओं ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सूरत में हार्दिक समर्थक विपुल पटेल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। हार्दिक की जो कथित सीडी पिछले दिनों में लीक हुई है उसमें जिस शख्स का हाथ है वो यहाँ रहता है। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं, ये हीराबाग में जो आप घर देख रहे हैं ये दरअसल विपुल पटेल नाम के एक शख्स का घर है जो कि पहले हार्दिक पटेल का ही सहयोगी हुआ करता था। गुजरात में पाटीदार अमानत आंदोलन समिति के बैनर तले ही आरक्षण आंदोलन चल रहा है। इसी आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं हार्दिक पटेल। पटेलों के लिए ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं जबकि उनके साथ ही कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।